दोस्तों, जंग के बारे में सोचते हुए हमारे मन मस्तिष्क में रूस यूक्रेन युद्ध या फिर अन्य देशों से होने वाले युद्ध ही कौंधते हैं और बड़ी बड़ी मिसाइलों, बमों, सुरंगों आदि के विस्फोटों से निकलने वाला जहरीला धुआं व आवाज़ें ही नज़र आती हैं। पर इससे भी बड़ी जंग हम मानवों द्वारा रात दिन अपनी धरती के खिलाफ धरती के प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर जारी है। मानव द्वारा धरती पर जारी इस जंग की बदौलत हमें जीवन देने वाले प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल तथा मृदा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वनों के अंधाधुंध कटान एवं जीवाश्मी ईंधनों के जलने से हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के वार्षिक ताप में वृद्धि देखी जा रही है। इससे पृथ्वी के मौसम चक्र में भी काफ़ी बदलाव आया है। उसी बदलाव की वजह से आए दिन हम सबको कहीं बाढ़, कहीं सूखा, सुनामी, अम्ली वर्षा आदि का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी की वजह से बर्फीले पहाड़ पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्र समुद्र की आगोश में समाते जा रहे हैं। इन तमाम आपदाओं के चलते खुद मानव तो प्रभावित होता ही है, साथ ही भारी मात्रा में वन्य जीवन भी प्रभावित होता है। कई वन्य जीव तो इस धरती से लुप्त भी हो गए हैं और कई लुप्त होने की कगार पर खड़े हैं। आज हमारा पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र संकट में है। हमारी भोजन एवं जल की आवश्यकता खतरे में है। ऐसे में हम सबको धरती से जारी इस जंग को रोकना होगा, कोई ठोस एवं कारगर कदम उठाना होगा। धरती पर मौजूद जीवों के भोजन, जल एवं वायु की आवश्यकता तभी पूरी हो सकती है जब प्रकृति में मौजूद खाद्य और पानी की सुरक्षा की जाए। मृत मिट्टी और सूखी नदियां भोजन और जल नहीं दे सकती हैं, लिहाजा हम सबको धरती के प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर रोक लगानी होगी। यह सही है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन का कोई भी समाधान रातों रात असर नहीं करेगा, पर हम सबका प्रयास जारी रहना चाहिए। इससे धीरे धीरे हमारी धरती पुनः अपने पुराने स्वरूप में लौट सकती है। कुछ इसी सोच के साथ विश्व के ज़्यादातर देशों ने 22 अप्रैल 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया और इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन के द्वारा की गई थी। तब से यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पूरे विश्व भर में जोरों से मनाया जाने लगा है। लेकिन मात्र एक दिन पृथ्वी दिवस के रूप में मनाकर हम प्रकृति को बर्बाद होने से नहीं रोक सकते। इसके लिए हमें बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हवा में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत से जुड़कर भी कुछ करना होगा, तभी हम पृथ्वी माँ के प्रति अपनी सच्ची सेवाएं दे पाएंगे और खुद को प्रकृति के प्रकोप से बचा पाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, कुछ बताएं इसके बारे में हमारे व्यूअर्स। दुनिया भर में 22 अप्रैल 2022 को पृथ्वी दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष पृथ्वी दिवस की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट है, जो हमें हरित, समृद्धि से समृद्ध जीवन बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह थीम संदेश देती है कि हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवार, हमारी आजीविका और हमारी धरती को एक साथ संरक्षित करने का अब समय आ गया है। अगर आप भी आने वाले 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाना
और अपने पर्यावरण को संरक्षित करने में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप भी निम्न गतिविधियां अपनाकर इसे मना सकते हैं। आप अपने घरों तथा घर के आसपास कुछ पौधे लगाकर अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के साथ साथ पक्षियों के लिए आवास एवं भोजन मुहैया करा सकते हैं। और खास तौर से उन लोगों को जो कि हमेशा घरों में रहते हैं। पृथ्वी दिवस मनाने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने साथ कुछ लोगों की टीम बनाकर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जानकारी अपने आसपास के लोगों को दे सकते हैं। और तीसरी बात यह कि जितनी जरूरत हो उतनी ही बिजली आदि का इस्तेमाल करें, अनावश्यक बिजली जल व ऊर्जा का दोहन न करें और ऐसा न करने के लिए ही दूसरों को भी प्रेरित करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक एवं बहुपयोगी मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।